Good morning, student. How are you? Now, page number 62 of your book, chapter 3. Okay, adding 3-digit numbers with carrying. अभी तक हमने 2-digit numbers के carrying वाले सम पढ़े थे. अब हम 3-digit number with carrying. Okay, add 476 and 349. Solution, हम इसको expand form में कैसे करेंगे? तो 400 प्लस 7 टेंस प्लस 6 वंस, उसी तरीके से 300 प्लस 4 टेंस प्लस 9 वंस. ओके, तो अब 6 और 9 को हम ऐड करते हैं तो कितना आता है हमारा, आता है ये 15. 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, तो कितना आता है 15 वंस. 7 एंड 4 को करते हैं तो 8, 9, 10, 11, ये आता है 11 टेंस. 4 एंड 3 को करते तो 7 आता है. ठीक है, तो हम ये लिखेंगे इक्वल टू 700 प्लस 11 टेंस प्लस 10 वंस प्लस 5 वंस. ठीक है, तो अब 700 प्लस 11 10 प्लस 1 10 प्लस 5 वंस, 700 प्लस 12 टेंस प्लस 5 वंस, 700 प्लस 10 टेंस प्लस 2 टेंस प्लस 5 वंस, 700 प्लस 100 प्लस 2 टेंस प्लस 5 वंस, तो 800 प्लस 2 टेंस प्लस 5 वंस. यानी कि ये जो हम कैरी लगाते हैं, ये अगर वंस की प्लेस पे होती है, कैरी आती है, हैं, तो हम उसका एक डिजिट नीचे लिखते हैं, 5 नीचे लिखेंगे और 1 जाएगा ऊपर, कैरी टेंस की प्लेस पे. इसी तरीके से टेंस की डिजिट को जोड़ते हैं और सम आता है 12, तो 12 का 2 हम नीचे लिखेंगे और कैरी यहाँ ऊपर 100 की प्लेस पे लिखेंगे. तो ये हो गया हमारा 800 प्लस 20 प्लस 5 यानी 825. यानी इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमारा ये आता है 5, 1 कैरी, ये गया 2, 2 का 1 कैरी, और ये हमारा हो गया 8. तो ये हमारा टोटल आता है 825. इसको हम इस शॉर्ट फॉर्म के रूप में भी कर सकते हैं. नाउ एक्सरसाइज ऐड. फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, 100 टेंस एंड वंस की प्लेस है. ठीक है, अब 6 एंड 9 वंस की प्लेस पे 6 एंड 9 दे रखा है, इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारा आएगा 15. तो 15 का 5 और कैरी जाएगा हमारा ऊपर 1. 5 एंड 8 13, 13 में 1 प्लस करेंगे तो ये हमारा आएगा 14. 14 का 1 जाएगा ऊपर. तो 4 एंड 3 होता है 7, 7 में 1 प्लस करेंगे तो ये 8. ओके, इसी तरीके से हम ये नेक्स्ट वाला सम भी करेंगे. 6 एंड 5, 6 एंड 5 होता है हमारा 11. ठीक है, 11 का 1 गया हमारा ऊपर कैरी. ठीक है, अब 8 एंड 4, 9, 10, 11, 12, 12 में 1 प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 प्लस करेंगे तो 13, 13 का 3 कैरी 1 और यहाँ पर 1. ठीक है, 4 एंड 3, 5, 6, 7, 7 एंड 1, 8. तो ये हमारा कितना टोटल बनेगा, 831. ठीक है, 831 हमारा टोटल आया. ठीक है, इसी तरीके से पेज नंबर 63 ऑफ योर बुक एड. फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, 4 एंड 6 10, 10 का 0 कैरी 1. ठीक है, 3 एंड 8 9, 10, 11, 11 का 1 2, 12 का 2 और कैरी 1. 4 एंड 3, 5, 6, 7, 7 एंड 1, 8. तो ये हो गया हमारा 820. अब इसी तरीके से अब एक सम और देखते हैं, ये वाला 6 एंड 7, तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 का 3 कैरी 1. 7 एंड 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 एंड 1, 16 का 6 कैरी 1. 6 एंड 3, 9, 9 एंड 1, 10. ओके, अब अनादर सम, दिस वन, 4 एंड 9, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 का 3 कैरी 1. 8 एंड 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 एंड 1 कैरी को जोड़ेंगे तो 18, 18 का 1 कैरी. 3 एंड 2, 5, 5 एंड 1, 6. ओके, एक सम और करते हैं हम, ये वाला 7 एंड 4, 11. ठीक है, 8, 9, 10, 11, 11 का 1 नीचे और 1 कैरी. 8 एंड 0, 8, 8 एंड 1, फिर 1 जोड़ेंगे तो 9.
4 and 6, 10. Okay, remaining you have to do in homework. Now, the answer given here are incorrect, right? The correct answer, यानी यहाँ पर इनका जो जोड़ दिया गया है सम टोटल वो गलत है, हमको इसका करेक्ट करना है. फर्स्ट 6 and 7 होता है हमारा 13, 13 का 3 and 1 carry, 3 and 8, 9, 10, 11, 11 and 1, 2, ठीक है, 2 और 1 carry, 4 and 2, 5, 6, 6 and 1, 7, तो करेक्ट आंसर क्या है 723. इसी तरीके से हम एक और सम देखते हैं 3 and 7, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 का 0 carry 1, ठीक है. 1 and 8, 9, 9 and 1, 10, 10 का 0 carry 1, 6 and 2, 7, 8, 8 and 1, 9, ठीक है. ये अब एक और देखते हैं इसी तरीके से, ये वाला सम, ओके. 4 and 8, 4 and 8 होता है 12, 12 का 2 carry 1, ठीक है. 3 and 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 and 1, 13, 13 का 3 carry 1, 7 and 1, 8, 8 and 1, 9, ओके. रेस्ट यू हैव टू डू इन योर बुक, ओके. नाउ पेज नंबर 64, सॉल्व एंड फिल इन द प्लेस होल्डर्स, ठीक है. ये आपकी वर्ड प्रॉब्लम जैसी है. अ स्कूल हैज़ टू शिफ्ट, देयर आर 485 स्टूडेंट इन फर्स्ट शिफ्ट एंड 456 इन सेकेंड शिफ्ट, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द स्कूल. यानी एक स्कूल में दो पारी में स्कूल चलता है, एक पारी में 485 स्टूडेंट्स आते हैं और दूसरी पारी में 456 स्टूडेंट्स आते हैं, तो स्कूल में टोटल कितने स्टूडेंट्स हुए. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन फर्स्ट शिफ्ट हमारा 485, सेकेंड शिफ्ट 456, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम इनको प्लस करेंगे. 5 and 6 प्लस करेंगे तो 11, 11 का 1 और 1 carry, 8 and 5, 13, 13 एंड 1 को प्लस करेंगे तो 14, 14 का 1 carry, 4 and 4, 8 and 1, 9, ठीक है. इसी तरीके से हम ये सम नंबर 4 करेंगे. राम बॉट 3 packets ऑफ टॉफीज, 2 packets हैड 48 टॉफीज ईच, 3rd packet कंटेन्ड 56 टॉफीज, हाउ मैनी टॉफीज डिड इन ऑल राम बाय. यानी राम ने 3 packets किसके खरीदे, टॉफीज़ के, 2 packets में 48 टॉफीज ईच है और 3rd packet में कितनी है 56 टॉफीज, तो टोटल टॉफी उसने कितनी खरीदी. 1st packet में कितनी है 48, ठीक है. 2nd packet में भी 48 और 3rd में कितनी है 56, तो अभी इसको हमको प्लस करना है टोटल के लिए. 48 + 48 + 56, ठीक है. 56 तो 8 + 8 हो गया हमारा 16, 16 में 6 जोड़ेंगे तो आएगा 22, 22 का 2 carry over 2. अब 4 + 4 हो गया हमारा 8, 8 + 5 हो गया हमारा 13, 13 में प्लस 2 करेंगे तो ये आएगा 15, तो टोटल कितनी टॉफीज़ हैं उसके पास, 152 टॉफीज़ हैं. ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू.